60%। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी यहाँ पे ओप्पो कंपनी का फोन जिसका मॉडल नंबर है ओप्पो A78 5G, इसमें दोस्तों लग गया है टॉकबैक लॉक, या फिर दोस्तों आपके पास कोई और ओप्पो कंपनी का फोन और आप इसमें टॉकबैक वाले ऑप्शन को बंद करना चाहते हैं, टॉकबैक लॉक को बंद करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिए बारो इस तरीके से कह रहा है, डबल टैप टू एक्टिवेट, और यहाँ पे दोस्तों हमारे फोन में टॉकबैक चालू हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो वॉल्यूम बटन दिख रहे हैं, आपको इन दोनों बटन को इस तरीके से प्रेस करना है। ये तो आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और डबल टैप टू एक्टिवेट बंद हो जाएगा, इस तरीके से आपका टॉकबैक बंद हो जाएगा। इस तरीके को दोस्तों आप मोस्टली फोन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका ओप्पो का हो, वीवो का हो, एमआई का हो, आप इस तरीके को उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रख लेना है, आपका ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपके फोन की सेटिंग में से अंदर से ये ऑप्शन ऑन होगा वॉल्यूम वाला, नहीं तो आपको अपने फोन की सेटिंग में आना होगा। अपने फोन की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में टॉकबैक को ढूंढ लेना, या फिर आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं टॉकबैक, इस पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे टॉकबैक वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ से इसको ऑफ करना होगा इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दोबारा से ग्रीन ग्रीन आ जाएगा, अब इसको ऑफ करने के लिए इस पे करना है टच और डबल टैप कर देना, फिर यहाँ पे स्टॉप करना है, फिर डबल टैप करना है, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम फिर से सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक जो बता दिया फास्ट वाली थी, और सेकंड ट्रिक जो आप सेटिंग में से आकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।